नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। हम आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेके आए हैं बच्चों। हम आपको बताने वाले हैं आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में बच्चों आपकी कुछ 1600 प्लस पद निकल गए हैं, जो कि क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जो आईबी में बच्चों आपकी जो खुफिया विभाग है, उसमें हमेशा बच्चों आपका छोटे लेवल की ही भर्ती निकलती है और उसमें छोटे ही पद निकलते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज हम जानेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में बच्चों आपकी क्या योग्यता क्या पूछी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या आएगा बच्चों, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपकी इसमें एज क्या है बच्चों, एज क्या होगा, एज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, हम आपको वो सब बताने वाले हैं बच्चों। आपकी जो आज की जॉब है, जो आपको बताने वाले हैं बच्चों, क्या आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी बताने वाले हैं बच्चों, आपकी इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में बच्चों क्या है जॉब निकली है, कितनी 1600 कुछ पद निकले हैं बच्चों इसमें आपके। आप देखोगे बच्चों आईबी में जो आपके पद हैं बच्चों, इंटेलिजेंस ब्यूरो बच्चों, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है बच्चों। इसको बच्चों आप शॉर्टकट में एमएचए बोलते हो। ठीक है बच्चों, इसको ये कंडक्ट करवाता है बच्चों आपका एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है बच्चों, गृह मंत्रालय बच्चों। तो इसमें जो आपके पद निकले हैं बच्चों, क्या निकले हैं बच्चों, आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट के बच्चों, जो एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के जनरल के बच्चों, जो एमटीएस है बच्चों, एमटीएस लेवल की आपकी बच्चों ये भर्ती होने वाली है। इसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है बच्चों, इसमें आपकी एज क्या पूछी गई है और एमटीएस में बच्चों आपकी एज क्या मांगी गई है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बच्चों आपको कैटेगरी वाइज जो आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों क्या है आपकी वैकेंसी दी गई है, ये सब आप देख लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पे बच्चों इसका क्या लिंक मिल जाएगा बच्चों, आप देखोगे बच्चों इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या बच्चों अलग अलग दी गई है वैकेंसी। आपका इसमें देखोगे, इसमें जो आपकी मान लो अगरतला है, अगरतला में आपकी ये बच्चों ये लैंग्वेज वगैरह है जो भी है, इसमें जितनी पोस्ट जनरल की हैं, ओबीसी एससी एसटी है बच्चों, ये आपको पोस्ट बच्चों आपको देखनी है। आप देखोगे बच्चों इसमें जितनी भी आपकी स्टेट वाइज है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज है पोस्ट दी गई है, ये चीजें आप देख लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा अगर आप इसमें ये चीजें बताएंगे तो आपका बच्चों क्या है वीडियो लंबी बन जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही इजी चीज है, आप थोड़ा सा इसमें अगर रीड कर लोगे आपको पता चल जाएगा। आप इसको इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बच्चों टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहां आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां आप देख लेना बच्चों। आपकी देखो बच्चों डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ईटानगर आपकी इम्फाल में जो ये लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बच्चों इसमें आपकी आनी चाहिए, जयपुर है बच्चों, जम्मू है, कोहिमा है, ये कुछ आपकी क्या है बच्चों डिस्ट्रिक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको दी गई है बच्चों। जो आपके बच्चों सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की टोटल पोस्ट बच्चों क्या आपकी 1600 1521 पोस्ट है बच्चों, टोटल आपकी 1521 क्या बच्चों आपकी टोटल पोस्ट है, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव है 1521। और जो बच्चों एमटीएस की पोस्ट है बच्चों आपकी इसमें दी है, एमटीएस की क्या है बच्चों आपके पोस्ट दी है 150, टोटल 150। तो आप देखोगे बच्चों टोटल पोस्ट बच्चों आपकी बनती है, जो टोटल पोस्ट है आपकी, जो टोटल पोस्ट बनती है बच्चों आपकी 1671, 1671 बहुत पोस्ट होती है। और आपको ये भी बताया गया है, ठीक है बच्चों, आपकी वैकेंसी बाद में बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि देखो आपको सीजीएल में 20,000 कुछ वैकेंसी आई थी, अब बढ़ा के 37,000 कुछ वैकेंसी कर दी गई है, तो इसकी भी बच्चों आपको वैकेंसी बढ़ा के दी जाएगी। तो आने वाले 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले बच्चों आपको काफी भरमार मिलने वाली है जॉबों की, आप कोई ना कोई जॉब अच्छे से ले लेनी है आपको। ठीक है बच्चों, आपकी टोटल बच्चों इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट की बच्चों टोटल 1521 पोस्ट है, और आपकी बच्चों जो इसमें एमटीएस के बच्चों क्या है वो आपको 150 है, कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। और अब आते हैं बच्चों क्या, अब आपका आता है बच्चों क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। ठीक है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है बच्चों आपका एग्जीक्यूटिव है, उसकी बच्चों जो आपकी ये क्या है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चों, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसकी जो आपकी बच्चों सैलरी होगी 21,700 से लेके बच्चों 69,000 क्या है बच्चों 100 इसकी आपकी क्या है, ये मिनिमम इतनी तो होगी होगी, और जो भी अलाउंस लगता है बच्चों आपका उसमें क्या बच्चों आपका एक इसमें 69,100 तक तो आपकी क्या है बच्चों टोटल सैलरी होगी ही होगी। लेवल वन में बच्चों आपका जो एमटीएस है बच्चों, एमटीएस में 18,000 से लेके बच्चों 56,900 तक आपकी कोई भी सैलरी हो सकती है। अब आप देखते हो बच्चों स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बच्चों 20% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा बेसिक पे। ठीक है बच्चों, जो आपका पे स्केल है उससे ज्यादा दिया जाएगा। और इसमें जो आपको बच्चों आपकी क्या है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें क्या है बच्चों 10th पास बच्चों इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन मानी गई है, कि जो आपको क्या है बस 10th पास होने चाहिए, और उसके अंदर जो आपकी एज है बच्चों वो चीज होनी चाहिए। आपने चाहे ग्रेजुएशन की हो चाहे 12th की हो बच्चों, बस आपने अगर 12th की है या ग्रेजुएशन की है तो सिंपल सी बात है बच्चों आप 10th पास करके ही वहां तक पहुंचे होंगे, तो आपकी क्या है बच्चों ये 10वीं पास के लिए क्या है बच्चों वैकेंसी है बच्चों, सिर्फ आपकी 10th पास चाहिए बच्चों। आप अगर 10th पास हो तो आप क्या बच्चों इसको अप्लाई कर लोगे इजिली। अब आती है बच्चों क्या आपकी क्वालिफिकेशन, फिर
एक्सपीरियंस इंटेलिजेंट, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी। एज लिमिट क्या बच्चों, जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट है बच्चों उसमें क्या है, जो ऐसे है बच्चों आपकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसमें आपकी बच्चों इसमें मांगी गई है 27 तक, आप 27 साल के होने चाहिए 25/11/2022 से पहले पहले आपकी क्या बच्चों 27 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये बच्चों, आपकी क्या बच्चों 25/11/2022 तक से पहले जिसका जन्म हुआ है और 27 साल नहीं हुई है वही बच्चे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए बच्चों क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चों आपकी क्या है एमटीएस की है, ये एमटीएस है बच्चों, एमटीएस की बच्चों क्या है 18 से 25 साल तक एज मांगी गई है। सिंपल सी बात है बच्चों 18 से 27 तक इसमें टोटल आपकी एज है, पर आप देखोगे बच्चों एज एमटीएस की है बच्चों क्या आपकी 18 से 25 और सिक्योरिटी असिस्टेंट की क्या बच्चों आपकी 27 तक क्या है बच्चों एज होनी चाहिए, और 25/11/2022 तक क्या है बच्चों उससे पहले ही आपकी क्या बच्चों एज होनी चाहिए। अगर किसी की 25/26/11/2022 भी है तो फॉर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और बच्चों जो आपका एससी बीसी का जो आपका उसमें आपकी रिजर्वेशन होती है इसकी रिलैक्सेशन की, वो तो आपकी होगी है, ओबीसी की जो होती है वो होगी बच्चों। तो इसने दिया बच्चों 5 साल तो एससी बीसी के लिए, 3 साल बच्चों ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। इसमें अलग से आपको जो कोविड वाला है ऐसा कोई भी आपको क्या बच्चों अलग से उसमें आपको डिस्काउंट एज में नहीं मिलेगा बच्चों, एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। सिंपल बात ये है बच्चों आपको सैलरी का बता दिया, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों एज बता दी गई है। यही इसमें अब आती है बच्चों आपका क्या सिलेबस की बारी। बच्चों एग्जाम पहले ही बता देता हूँ, एमटीएस लेवल का एग्जाम है तो बच्चों एग्जाम आपका आएगा इजी, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है भैया, बस रेगुलर पढ़ते जाओ। अब आप देखते हैं बच्चों इसमें आपके क्या बच्चों 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका बच्चों एग्जाम आएगा, और ये टोटल 1 घंटे में आपको करना होगा। और एग्जाम होगा बच्चों आपका ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है। और आपको क्या बच्चों 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल अवेयरनेस बच्चों जो आपको जीके बोलते हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको आप मैथमेटिक बोलते हो बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिटिकल आपकी लॉजिकल एबिलिटी जिसको आप रीजनिंग बोलते हो बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों, अब अगर आप जीएस का पोर्शन देखते हो तो 40 नंबर का तो कंप्लीट किया बच्चों जीएस का पोर्शन ही होगा बच्चों। एग्जाम इजी आएगा क्योंकि ये छोटे लेवल का एग्जाम है, पर इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसकी सैलरी अच्छी होती है। खुफिया विभाग ऐसे ही आसानी से सबको नहीं मिलता, तो आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है बच्चों, ठीक है। इसके बच्चों आपको टायर 1 में तो आपका ये आएगा, अगर आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो बच्चों आपका क्या है टायर 2 आता है, ये कॉमन 4 सब्जेक्ट जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल दोनों के लिए है बच्चों। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा बच्चों, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है बच्चों। आपको पैसेज 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज इंग्लिश एंड वॉइस, ठीक है बच्चों। आपको जो 500 वर्ड का डिस्क्रिप्टिव, जैसे आपका सीजीएल का टायर 3 होता है बच्चों डिस्क्रिप्टिव, ऐसे आपका क्या बच्चों डिस्क्रिप्टिव आपको 500 वर्ड मिनिमम लिखने पड़ेंगे और 40 नंबर का होगा बच्चों ये, और 1 घंटे में आपको करना होगा। और फिर बच्चों आपका आता है टायर 3। टायर 3 में क्या होता है बच्चों, आपको इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू के बच्चों आपको 50 नंबर मिलेंगे बच्चों। देखो बच्चों अगर आप टायर वन और टायर 2 क्वालिफाई कर जाते हो तो बच्चों आपको टायर 3 में क्या बच्चों आपको इंटरव्यू देना होगा, टायर 3 में बच्चों आपको इंटरव्यू देना होगा। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट एज है, आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है बच्चों। देखो सिंपल सी बात, आपको सबसे पहले बताया गया कि पोस्ट क्या है बच्चों और कितनी पोस्ट कहाँ है बच्चों, और उसके लिए बच्चों सिंपल सा ये है आपको जो जहां के लिए आप अप्लाई करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जहां के लिए आप अप्लाई करोगे वो लैंग्वेज बच्चों आपको आनी चाहिए, कॉमन बात ये है, ठीक है। और फिर आपको एज का रिलैक्सेशन बताया गया है और आपकी सैलरी बताई गई है, सैलरी क्या होने वाली है, और आपका जो भी सिलेबस है सिलेबस बताया गया है। और बच्चों आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हो 0 to Hero बच्चों, जो आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे देखोगे, आपको प्लेलिस्ट में जाना मैथ्स बाय सोमवीर सर चैनल सर्च करना आप यूट्यूब पे, आपको वहां प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बच्चों रीजनिंग का और मैथ का बच्चों बिल्कुल फ्री सिलेबस करवाया जाएगा, जहां से बच्चों आपके 40 नंबर 100% 40 नंबर आ जाएंगे। वहां से आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हो, एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग हर एग्जाम को ध्यान रखते हुए आपका 0 to Hero बैच बनाया गया है बच्चों, जो आपका मैथ का और रीजनिंग का बनाया गया, वहां आपको कंप्लीट फ्री में सारा सिलेबस करवाया जाएगा। जहां बच्चों आप वहां देखोगे 60% सिलेबस आपका करवा दिया गया है, तो जल्दी से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़िए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है, इसने क्या है बताया आपको जो आपके लिए इंपोर्टेंट न्यूज क्या बच्चों, जो इसमें बच्चों आपको अब आती है बच्चों बारी, 1 मिनट। अब बच्चों आपका इसमें क्या जो फॉर्म है बच्चों हाउ टू अप्लाई, ये आपको सिर्फ MHA www.mha.government.in इस वेबसाइट पे जाना है बच्चों, और www
nchs.government.in, यहीं से बच्चों इसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसको नोट कर लेना, या तो फिर आपको वहां डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आप वो पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां बच्चों आप इजीली कर सकते हो। अब आप देखो बच्चों, आपने का जो फॉर्म अप्लाई होगा 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चों क्या आपका 25 नवंबर तक अप्लाई करना है। बच्चों आपको टोटल 20 दिन ही मिलेंगे बच्चों, फॉर्म आपके अप्लाई करने के टोटल 20 डेज ही होंगे। और पहले ही बता देता हूं, मैंने काफी बार इसको अप्लाई किया है, जैसे आप लास्ट डेज में अप्लाई करते हो तो वेबसाइट हैंग हो जाती है, तो बेटर यही है आप बच्चों 25 से 20 के अराउंड ही बच्चों इसको आप फिल कर लेना। लास्ट डेट पे कभी भी कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता, क्योंकि लास्ट डेट में बच्चों क्या आपका अटक जाएगा, तो वहां आपको फंसना नहीं है बच्चों। तो आपको बच्चों 5 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 25 तक बच्चों इसको क्या है भरना है। अब आप देखते हो बच्चों इसमें क्या है बच्चों, आपकी जो आपका इसमें आपकी 50 रुपये और क्या बच्चों 450 रुपये जो आपकी जो फीस होने वाली है, जो बच्चों SC BC कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 50 रुपये फीस होगी, और जो आपका बच्चों जर्नल, आपका जर्नल बच्चों EWS, और बच्चों आपका क्या OBC, OBC वालों के लिए बच्चों क्या है 450 बच्चों के आपकी फीस होने वाली है, ठीक है बच्चों। और ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं बच्चों, आपका जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए 450 इसकी फीस है, और जो आपका SC BC कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 50 रुपये बच्चों ये फीस होने वाली है। आई होप बच्चों इतनी ही आपकी क्या बच्चों आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। और क्लोजिंग डेट बच्चों आपको बता दिया गया 25 तारीख तक फॉर्म फिल किया जाएगा, यही आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, और यही आपके लिए जानकारी के लिए इतना बहुत है। और ये जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती थी बच्चों हमने आपको बता दिया गया, जो IB के फॉर्म से रिलेटेड है। अगर आपको बच्चों ये कंप्लीट पढ़ना है, आप मेरे पास आपको देखोगे टेलीग्राम में आपको लिंक दिया जाएगा, वहां शेयर कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और वहां आपको बच्चों कंप्लीट PDF मिल जाएगी आपको। अगर कंप्लीट नोटिस आपको पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता था वो हमने आपको बता दिया है। तो हम जल्दी ही मिलते हैं बच्चों अगले किसी खास वीडियो में, आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही आपके लिए कोर्स चलाते रहेंगे। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।